भांडवपुर महातीर्थ में प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर क्षत्रिय कुंड नगरी में प्रभु का जन्म कल्याण के एवं चपंदी कुमारी महोत्सव मंत्रोसार के साथ हुआ संपन्न। श्री भांडवपुर महातीर्थ में 16 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट जयनसेन सुरेश्वर महाराज के पट्टधर द्वय गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर महाराज एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वंद की शुभ निश्रा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने बताया कि गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर के मंगलासन के साथ भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव जयरत्न सुरेश्वर महाराज, विमल गच्छाधिपति आचार्य प्रद्युमन विमल सुरेश्वर महाराज, आचार्य नरेंद्र सुरेश्वर महाराज आदि विशाल श्रमण श्रमणी वंद की शुभ निश्रा में सत्रह कुंड नगरी में प्रभु का जन्म कल्याणक एवं सपंदी कुमारी महोत्सव प्रारंभ हुआ। महोत्सव के छठे दिन शनिवार को तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निमित्त गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से श्रावक श्राविकाओं ने जिन वाणी का श्रवण किया। सभा में आचार्य नरेंद्र सूरी महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य गति ऐसी है जिसमें परमात्मा की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। तीर्थ में होने वाले प्रत्येक अनुष्ठान हमें परम शांति, परम समाधि व परम सत्य दिलाने वाले हैं। भांडवपुर तीर्थ उद्धारक आचार्य पर्व ने जीव दया पर बल देते हुए कहा कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हमें मुक्त हाथों से मुक्त प्राणियों पर जीव दया भाव रखते हुए अपनी सुकृत लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। मुंबई से उग्र विहार करके पधारे मुनिराज जिनागम रत्न विजय महाराज ने बताया कि संकल्प एक होता है और विकल्प अनेक होते हैं। आत्म कल्याण के लिए यह महोत्सव आया है। जिन शासन बहुमान के लिए है, व्यापार के लिए नहीं। जिन शासन के सुप्रसिद्ध विधि कारक सत्य विजय हरण एवं त्रिलोक भाई मोदी, कुणाल भाई, दीपक रणपुरी आदि के द्वारा राजदरबार में प्रभु का जन कल्याण के पश्चात सपंदी कुमारी महोत्सव आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए सूरत से आए कलाकारों द्वारा संगीत की सुमधुर ध्वनि के साथ मनमोहक प्रस्तुतियां द्वारा किया गया। राजदरबार में प्रभु जन्म बधाई यतीन्द्र भाई डांस ग्रुप द्वारा सुंदर नृत्य करते हुए दी गई। परमात्मा को इंद्राणी द्वारा तिलक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। सभा में गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर महाराज एवं आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज आदि गुरु भगवंतों से बड़ी दीक्षा एवं श्री यतेंद्र सूरी एवं श्री जयनसेन सूरी जी की प्रतिमा का प्रतिष्ठा के लिए दादाल श्री संघ ने विनती की, जिसे स्वीकारते हुए गच्छाधिपति ने मुहूर्त प्रदान किया। सुराना संघ ने भी गुरु भगवंतों को पधारने हेतु विनती की। कार्यक्रम में मंच संचालन ओम आचार्य ने किया। कार्यक्रम में सभी ट्रस्टी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं।